विधानसभा चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं और इसी बीच आचार संहिता 15 दिनों के बाद लगने की घोषणा की गई है और अगले महीने तक चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने की है। साथ ही सभी नेताओं और पार्टियों की तरफ से चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का मुंबई दौरा तय हो गया है। राज्य में महाविकास आघाड़ी और महायुति की चर्चा चल रही है, तो वहीं मनसे और वंचित बहुजन आघाड़ी ने एकला चलो का नारा लगाते हुए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। चुनाव की तैयारी में इलेक्शन कमीशन भी जुटी हुई है। साथ ही 26 से 28 सितंबर तक 3 दिनों में अधिकारी दिल्ली से महाराष्ट्र आ रहे हैं और वे राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग के अधिकारियों और जिला कलेक्टरों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय पदाधिकारी के साथ बैठक की जाएगी, फिर आयोग के अधिकारी, राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। इस बीच 28 सितंबर को कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ चुनाव तैयारियों पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। एक तरफ जहां हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है और जम्मू कश्मीर में दूसरा फेज खत्म भी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अब भी महाराष्ट्र में विधानसभा की तारीख घोषित नहीं की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बेसब्री से इंतजार हो रहा है। अब ये देखना अहम होगा कि आखिर कब तक चुनाव आयोग से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित की जाती है। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए जुड़े रहें MB Live से।